तो उनका तो निश्चित रूप से बौखलाए के बा, चूँकि छुपला तो छुपावे के नहीं है, पर्दाफाश मामला बा, एक जांच चलता। डीएम साहब के कमेटी बनेले बनी, डीएम साहब सरकार के माध्यम से जांच होता। घोटाला तो बढ़ले बा, एकदम घोटाला बा, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। आपको क्या लगता है एम्बुलेंस घोटाले को छिपाने के लिए इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, बातें कही जा रही है? रास्ता से भटकावल जाता, लोग के दिमाग में जौन बात बैठ गई बा, घपला भइल बा, घोटाला भइल बा, एकर जांच होता। अब अनाप साहब वहाँ का बोलो नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जौन यहाँ के भाषा का प्रयोग कैले बनी, ये मुनासिब नहीं के, जनहित में नहीं के, आई बात केहू का पसंद नहीं के, तो वैसा आदमी के उतना काम करे वाला आदमी के पर परिवार के प्रति कुछ बोलल, बेटा के प्रति बोलल बनी, माता पिता के प्रति बोलल बनी, ये अच्छा काम नहीं के। संस्कारी आदमी वहाँ का अगर बानी तो ये बात ना होके चाहिए, जौन धंधा पता यहाँ पहले करत और नहीं वह ज़्यादा यहाँ करी। अब राजनीति तो राउट समाप्त हो गई, कतनों रुपये टिकट किन के ले आए, कौनों दल से ले आए, लोग नकार दिए। अब नीतीश कुमार को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी की है टूना जी पांडे, इस पर क्या कहेंगे? हम तो यह कहेंगे जरूरत से ज़्यादा गलती कैले बढ़न, उनका तो आम जनता से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से माफ़ी मांगे के चाहिए कि गठबंधन बा और वह कहते हैं कि बीजेपी में बानी और इस तरह के भाषा का प्रयोग कैल सरासर पागलपन बा, एकदम पागलपन बा। पागल भी इस तरह के भाषा का प्रयोग ना करी, वहाँ का सेंस बा, दिमाग बा, MLC बानी, दोनों भाई बानी लोगन, बचाओ बा MLA बनी, वहाँ का MLC बानी, तो ढेर दिन थोड़े बा, फिर तो चुनाव नट्टी पर बा।